पराशर मुनि पराशर संहिता में कहते हैं, मेरे बीच आप लोगों ने ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसस्य ज्ञान वैराग्यस्य एव सड़ंभग इति गणा। तो जिसके पास बल है उसको हम क्या कहते हैं, जिसके पास ज्ञान है उसको हम क्या कहते हैं, ज्ञान। जिसके पास यश है उसको हम क्या कहते हैं, जिसके पास सौंदर्य है उसको हम क्या कहते हैं, सौंदर्य। जिसके पास धन है उसको हम क्या कहते हैं। तो भगवान का अर्थ है ये छह अपुलेंस, जिस व्यक्ति के पास 100% फॉर इंटरनिटी रहता है उसको हम क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं। इसलिए भगवान, भगव मीन्स ऐश्वर्य, अपुलेंस, और वान मीन्स पोजेशन। तो जिस व्यक्ति के पास ये छह ऐश्वर्य, धन, सौंदर्य, वीरता, यश, त्याग, ज्ञान, ये छह का छह एक साथ 100% रहता है उसको हम क्या कहते हैं, भगवान। तो ये याद रखिए, भगव मीन्स ऐश्वर्य, अपुलेंस, वान मीन्स पोजेशन। एक एक्रोनिम के द्वारा आप इसको याद रखिए, सफाई, S for strength, बलवान, A for attractiveness, सौंदर्यवान, F for fame, यशवान, A for SS, धनवान, R for renunciation, त्यागवान, I for intelligence, और ज्ञानवान। तो ये छह का छह अपुलेंस जिस व्यक्ति के पास 100% है उसको हम क्या कहेंगे, भगवान के। कहने का अर्थ है जिसके पास सफारी सूट कैसे, ओके ना, उसको हम क्या कहेंगे, भगवान है। तो मार्केट में जो भी भगवान आ रहा है तो ये पैरामीटर से आपको चेक करना है, स्ट्रेंथ सबसे बलवान है ये, थोड़ा चेक करो, ठीक है ना। 100 किलो का पत्थर लेके आओ और उसके ऊपर फेंको, डालो, वो जिंदा रहा तो क्या है, भगवान, मर गया तो भगवान के पास गया। इस प्रकार सोच, ठीक है ना, बलवान होना चाहिए, अट्रैक्टिव, सौंदर्यवान, आकर्षित होना चाहिए, दिखने में सुंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं मोटा हो गया है, एक नहीं 32 में से 2-4 दांत भी निकल चुके हैं, दाढ़ी पक गया है, एक नहीं नाक हिल रहा है, शर्म में छुरिया आ गई है, इसे भगवान है नहीं, अट्रैक्टिवनेस होना चाहिए, सौंदर्य रहना चाहिए। ऐसा नहीं मेकअप करके आए हैं भगवान स्टेज पे दर्शन देने के लिए, इस प्रकार होना नहीं चाहिए, दैट इज नॉट भगवान। नेचुरल और अट्रैक्टिव होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, फेम यशवान, फेमस भी होना चाहिए, उनका फॉलोअर्स अधिक होना चाहिए, फॉलोअर केवल धरती पे नहीं अन्य लोग में भी होना चाहिए, पूरा संसार में होना चाहिए। इस व्यक्ति को क्या कहेंगे, भगवान कहेंगे। ऐसा नहीं कि आपका गली का ही भगवान है, गली के बाहर कोई जानता नहीं, ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ऐसे धनवान, तो उनके पास जो धन है उसका कोई कमी नहीं, धन का उद्गम उनसे होता है, ऐसा व्यक्ति को मार्केट में देखना चाहिए। लेकिन मार्केट में जो भी भगवान आजकल आते हैं वो डोनेशन मांगने के लिए आते हैं, अरे धनवान है तो डोनेशन कहां से मांगने के लिए। तो ऐसा व्यक्ति भगवान होना चाहिए जो कि समस्त संपत्ति धन का एसेट्स का मालिक है, प्रोप्राइटर है, पोजिशन, रिनंसिएशन, त्यागवान भी, त्याग भी करता है तो 100% त्याग करता है, इसी व्यक्ति को हम भगवान के कहते हैं। बुद्धिमान और इंटेलिजेंस, ज्ञानवान, ज्ञान भी होना चाहिए। ऐसा नहीं रट्टा मार के जनरली एग्जाम पास किया है, एग्जाम खत्म, भूल गया सब कुछ, और बीच बीच में भगवान आजकल के मार्केट में देखेंगे बीच बीच में प्रवचन देते हैं, श्लोक बोलते तो भूल जाते हैं, देख के याद करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भगवान मीन्स छह अपुलेंस 100% है। तो मार्केट में ऐसा कोई व्यक्ति है,